जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हाजिर हैं जी पहले ताज़ा तरीन कोटेशन पढ़ेंगे और ताज़ा तरीन कोटेशन टाइम्स ऑफ इंडिया से ली हुई हैं। पहली कोटेशन लीजिए, बीवेयर ऑफ द रॉथ ऑफ ए पेशेंट एडवर्सरी, बीवेयर ऑफ द रॉथ ऑफ ए पेशेंट एडवर्सरी, तुम्हारे दुश्मन का सब्र जब टूटेगा तो गजबनाक होगा, चौकन्ने रहो होशियार रहो। तुम्हारे दुश्मन का सब्र जब टूटेगा तो गजबनाक होगा, चौकन्ने रहो। दूसरी लीजिए, वो एवोल्यूशन पर है। एवोल्यूशन इज नॉट ए फोर्स बट ए प्रोसेस, से नॉट ए काज बट ए लॉ। इर्तका एक कुवत नहीं बल्कि अमल है, सबब नहीं बल्कि कानून है। तीसरी लीजिए, टू बी डूइंग गुड डीड्स इज मैन्स मोस्ट ग्लोरियस टास्क, बेहतरीन सताइश के काबिल है कार्य नेक करना, बेहतरीन सताइश के काबिल है कार्य नेक करना। और जो शहर मिले हैं वो किसी शायर ने जो कुछ उसने देखा है, तजर्बा किया है, तो वो आपको कुछ नेक सलाह दे रहा है, कुछ देख लीजिए वो क्या कहते हैं। शेर अच्छे हैं, आगे इसके एक आध शेर पढ़ा था, आज इनके ये ज़रा ज़्यादा ही मिल गए हैं तो मैं ज़्यादा ही सुना देता हूँ। इनका नाम है मुनव्वर, जिनके अशआर हैं, वो क्या कहते हैं। शमा सूरत ना सरे बज़म पिघलते रहिए, अपने एहसास के शोलों में न जलते रहिए, जिंदा रहना है तो अंदाज बदलते रहिए, कोई सांचा हो हर एक सांचे में ढलते रहिए, चलते रहने से मंजिल का निशान मिलता है, कोई दीवार हो सर फोड़िए चलते रहिए, लोग एक चेहरे पे 100 चेहरे लगा लेते हैं, बंद आँखों से नाबाज में चलते रहिए, और फिर ज़माना अब मुनव्वर का नाला है, यही नाला पुकार होता है, सच निकल जाइए और झूठ उगलते रहिए। ये ख़त्म हुआ, वो भी ख़त्म हुआ, अब बारी है कहानी की। कहानी नहीं, आज बहुत अच्छी नज़म है। आगे इनकी दो पढ़ी थी, मोहनजीत हैं पंजाबी के, बड़े नामवर शायर हैं, तो आज इनकी एक पंजाबी मेरे पास नहीं है, लेकिन लगता है जल्दी समझ लग जाएगी। इनका नाम जो है पोएम का वो है सांसों के फासले पर।
सुनिए। सर पर तनी थी छतरी बरसात की, मटियाले सबज पत्तों और झाड़ियों की, मैं और सखी गुजर रहे थे जंगल से, सखी के पाँव में आती जब लगजच जरा सी, तो उसके सीने से आवाज़ आती दूध छलकने की। धुंधलका जंगल का था इतना गहरा कि दिन को भी अंधेरा था रात का, मेरे माथे पर सुर्ख निशानात थे खारदार झाड़ियों से पैदा हुए, सखी के बालों की सजावट दरहम बरहम थी, हवा दरख्तों से रगड़ खाती तो आदम बू की सदा आती। क्या खबर कब शेर लक्कड़ बग्घा सामने आ जाए, कब सींग सूंड फन या बेकरां खड़ नजर आए। मौजज़ा आई अचानक आग नजर आई, फिर एक गार नमूदार हुई, आग के करीब बैठा था एक फकीर मस्त मौला, आग ऐसे वक्तों में तो जुगनू भी गनीमत था। कहा बाबा दुश्वार गुजर है रास्ता, कोई पगडंडी नजर नहीं आती, नजरे कर्म हो तो पहुंच जाए कहीं। वो बोला मेरे पास तो जलती लकड़ी के सिवा कुछ नहीं, मिल जाएगी पगडंडी इंशाअल्लाह। फिर बगौर देखा इस तपसार किया, यानी पूछा कहीं तुम वो तो नहीं जो गिर गए थे एक बार बर्फों में और फिर एक बार दामने कोह के नाहमवार इलाके में और एक बार, अगर तुम वही हो तो लो एक लकड़ी पकड़ लो, इसके औसाफ हैं कहीं, अंधेरे में रोशनी करती, पानी में तैरती, बर्फों में दमकती, हाँ ये काम आएगी, तब तक चलते रहोगे जब तक एक दूसरे की सांसों की महक में, इसे अपने पास रखना पगडंडी नजर आने तक, फिर दे देना किसी और को, जो हम नफ्ज की सांसों के साथ चलता हो, फिर दे देना किसी और को जो हम नफ्ज की सांसों के साथ चलता हो। पंजाबी से तर्जमा बलवंत सिंह आंसू, जो लिखा वो मैंने पढ़ दिया, सुन लीजिए जरा सी सरोद है, अली अकबर खां बजा रहे हैं। बसंत मुखारी बजा रहे हैं।
राग तो बहुत लंबा है, आपको ज़रा सा अलाप इनका पेश किया है।